Today we will discuss about coppice system. Coppice means coppice. What do you understand by coppice? Coppice we have already discussed in previous videos. Coppice means a shoot arise from the base of seedling that have been burned or cut. So coppice system defined as that silviculture system in which the new crop originates mainly from shoots or stool coppice. So stool coppice means when tree is cut, shoot may arise from the near the top of the stem. रूट कॉलर से भी हम न्यू वो देख सकते हैं. रूट कॉलर क्या होता है यहाँ पे, सम सूट्स, रूट कॉलर सूट भी कह सकते हैं उन्हें. सम सूट्स में अराइज फ्रॉम जंक्शन ऑफ रूट्स कॉल्ड रूट कॉलर सूट्स. तो रूट के जो जंक्शन से नई सूट्स अराइज होंगी, न्यू सूट्स फॉर्म होंगी, दैट इज नोन एज रूट कॉलर सूट. एंड रूट सकर एक टर्म और आता है इसमें, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है बट इसके उसमें आते हैं जस्ट लाइक कॉपिस स्टूल सूट. एंड इसमें रूट सकर आता है. रूट सकर मीन्स व्हेन सूट्स अराइज फ्रॉम द रूट कॉल्ड रूट सकर. जब रूट से हमें रूट सकर जब दिखा मतलब अराइज होंगे तो उसे बोलेंगे हम रूट सकर. सो हम डिस्कस कर लेते हैं आगे. Crop arising entirely of vegetative shoots. Crop removed by clear felling, even aced, is a coppice system. When regeneration is primarily from coppice shoots or root suckers, the silviculture system is known as coppice system. Basically, coppice system means ये silviculture system के अंदर आने वाला वो system है जिसमें हमारी जो न्यू क्रॉप है वो कहाँ से, किसी सूट से, किसी स्टूल कॉपिस से फॉर्म होगी. मींस एज यू कैन सी इन पिक्चर, यहाँ पे आपको देखना है, मैंने एक जो पिक्चर दिखा रखी है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने ट्री को कट डाउन कर लिया है एंड उससे क्या हो रही है, न्यू सूट्स फॉर्म हो रही हैं. और यही सूट्स क्या होती है, हमारा न्यू प्लांट डेवलप हो, न्यू ट्री वी कैन से डेवलप होगा. सो मेथड्स यहाँ पे दी हुई हैं, कुछ मेथड्स ऑफ कॉपिस सिस्टम. बेसिकली फाइव सिस्टम है यहाँ पे. सिंपल कॉपिस, द कॉपिस ऑफ टू रोटेशन सिस्टम, सेल्टर रूट कॉपिस सिस्टम, कॉपिस सिलेक्शन सिस्टम एंड पोलार्ड सिस्टम. नेक्स्ट वी विल डिस्कस दीज सिस्टम्स. सो फर्स्ट सिंपल कॉपिस सिस्टम. सिंपल कॉपिस सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम बेस्ड ऑन स्टूल कॉपिस in which the old crop is clearly felled with no reservations for shelter, wood or any other purpose. मतलब सिंपल कॉपिस में क्या होगा कि हमारी जो स्टूल कॉपिस से हम कह सकते ये हमारी स्टूल कॉपिस के बेस्ड पे है एंड इसमें जो ओल्ड क्रॉप है वो क्लियरली फेल्ड कर दी जाएगी और कोई सेल्टर वुड मतलब सेल्टर के पर्पज़ से कोई भी सेल्टर पर्पज के लिए कोई भी ट्रीज को हम नहीं वहाँ पे छोड़ेंगे. एंड नेक्स्ट द कॉपिस ऑफ टू रोटेशन सिस्टम, दिस इज कॉपिस ऑफ टू रोटेशन सिस्टम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉपिस सिस्टम है ये, विच एट द एंड ऑफ फर्स्ट रोटेशन ऑफ कॉपिस फ्यू सिलेक्टेड पोल्स आर लेफ्ट स्कैटर सिंगली ओवर द कूप इन द सेकेंड रोटेशन टू अटेंड बिगर साइज. दिस इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉपिस सिस्टम. इसमें क्या होगा कि फर्स्ट में हमें कुछ ट्रीज को कुछ सिलेक्टेड पोल्स को छोड़ना होगा फर्स्ट रोटेशन में
इन सिस्टम में, एंड देन ओवर द कूप इन द सेकेंड एंड रोटेशन अटेन बिगर इन साइज, ताकि सेकेंड बिगर इन साइज में वो हो जाए. एंड नेक्स्ट में हम देख लेते हैं सेल्टरवुड कॉपी सिस्टम. सेल्टरवुड कॉपी सिस्टम बेस्ड ऑन सेल्टरवुड सिस्टम, अनदर मॉडिफिकेशन ऑन द सिंपल कॉपी सिस्टम, इन विच सिस्टम इवन इन द फर्स्ट क्लियर फेलिंग सम सेल्टर ट्रीज आर रिटेन फॉर फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन. तो इसमें क्या किया जाता है, फर्स्टली जो आप कॉपी सिस्टम है, मतलब इन ये कॉपी सिस्टम में फर्स्टली क्लियर फेलिंग, फर्स्ट क्लियर फेलिंग की जाएगी एंड सम कुछ उसमें क्या किया जाएगा, कुछ सेल्टर ट्रीज को फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन के लिए छोड़ दिया जाएगा. एंड फोर्थ है कॉपी सिलेक्शन सिस्टम. तो इसमें क्या है हमारा, सिल्वीकल्चर सिस्टम इन विच फेलिंग इज कैरिड आउट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन सिस्टम बट रीजनरेशन इज ऑब्टेन बाय कॉपीज. तो इसमें क्या किया जाएगा, जो हमारा फेलिंग होगी, फेलिंग हमारी सिलेक्शन सिस्टम के बेस पे होगी. सिलेक्शन बेस्ड जो सिलेक्शन हमारा सिस्टम हम अप्लाई करते हैं, हमने वो सिलेक्शन सिस्टम लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था. तो रीजनरेशन जो होगा आपका कॉपीज से, कॉपी सिस्टम से होगा. एंड पोलार्ड सिस्टम, सो पोलार्डिंग जो की जाती है, पोलार्डिंग इज डन एट द हाइट ऑफ 1 meter to 1.25 meter above the ground level. मतलब ground level से 1 meter से 1.25 meter ऊपर से की जाती है. बेसिकली ये की जाती है हम ब्राउजिंग एनिमल्स से, जो है ब्राउजिंग एनिमल्स से अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए समटाइम इसे अप्लाई करते हैं. लेट्स सी, पोलार्ड इज डिफाइंड एज द ट्री हुज स्टेम हैज बीन कट ऑफ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ फर्स्ट सूट यूजली अबाउट द हाइट टू विच द ब्राउजिंग एनिमल्स कैन रीच. दस द पोलार्ड सिस्टम कंजिस्ट ऑफ पोलार्डिंग ट्रीज पीरियोडिकली टू ऑब्टेन एक्सप्लॉयटेबल मटीरियल्स. सो दिस इज पोलार्ड सिस्टम. तो बेसिकली वी हैव डिस्कस सम कॉपी सिस्टम. तो कॉपी सिस्टम आप सबको समझ में इसमें आ ही होगा. इसमें क्या है कि जो हम वेजिटेटिव सूट से हमारी न्यू क्रॉप फॉर्म होगी, हम किसी भी सिस्टम को अप्लाई करके अपना फैलिंग अप्लाई कर रहे हों ये मतलब नहीं है. लेकिन जब हम क्या करते हैं, कॉपीसिंग से हम न्यू प्लांट को फॉर्म करवाते हैं, नया प्लांट बनता है. ये हो सकता है हमारा, हम स्टूल सूट से बना रहे हैं या रूट कॉलर से हो रहा है, कि अगर रूट के पार्ट से न्यू प्लांट हमें मिल रहा है. एंड रूट सकर से भी हो सकता है, कि रूट सकर से अगर सूट, जब रूट से नई न्यू सूट जब किसी रूट प्लांट के रूट से फॉर्म हो जाएगी तो हम उसे रूट सकर्स कहेंगे. न्यू रीजनरेशन अगर हमारा कॉपीज प्लांट के से हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम कॉपीज सिस्टम. आई होप ये आपको